जो विश्वास जी सीधे आपके पास आते हुए, ये कांग्रेस पार्टी से आप लोगों का क्या रिश्ता है? अधीर रंजन चौधरी उधर कह रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम बंगाल सरकार को घेरते रहेंगे पश्चिम बंगाल में, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी तो मंच पर नहीं जा रही हैं लेकिन अपने एक सांसद को जरूर भेज रही हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है जो विश्वास जी? वहां लड़ाई लड़ेंगे और फिर बीजेपी के खिलाफ दूसरे राज्य में एक हो जाएंगे। चित्रा जी, पहले मैं आपको कहना चाहूंगी, देखिए 2024 की जो लड़ाई है ये लड़ाई होगी परिवर्तन की लड़ाई। ये जो है ये आम जनता के साथ सीधे सीधे बीजेपी के लड़ाई होंगे, क्योंकि 2019 और 2014 के अगर आप एजेंडा देखेंगे, जो भी इनका अगर आप इश्तेहार देखेंगे, कोई भी आज फुलफिल नहीं हुआ। ना नौकरी का वादा उन्होंने किया था जो बेकारों का, ना उसका कोई खुलासा हो रहा है आज। कुछ भी अगर देखेंगे सिर्फ एजेंसी पॉलिटिक्स चल रहा है। सीबीआई, ईडी और सारे विपक्षी दल के नेता के पास ईडी सीबीआई भेज दिया जा रहा है टाइम पे। तो आज लोगों का, गरीब लोगों का कुछ नहीं हुआ है। आज कांग्रेस जो एटीट्यूड यहाँ पर दिखा रही है, हमको कांग्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के साथ टीएमसी जोड़ के लड़ सकती है। बीजेपी के खिलाफ जो लोग लड़ना चाहते हैं सब एक मंच पे आए, ताकि कोई भी वोट बीजेपी के खिलाफ विभाजित ना हो, तो उसके लिए हम लोग एक साथ लड़ सकते हैं। लेकिन ये बॉस वाली एटीट्यूड नहीं चलेगी यहाँ पर। अधीर रंजन चौधरी, यही तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो सचमुच की लड़ाई बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं वो हमारे साथ मंच पर दिखेंगे, लेकिन जो झूठ मूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं वो नहीं आएंगे। उनका निशाना तो आप ही की ओर है। देखिए, कौन झूठ लड़ रहे हैं कौन सच लड़ रहे हैं ये तो कांग्रेस नहीं तैयार करेंगे। ये 2021 में ममता बनर्जी ने बीजेपी को धूल चटाई थी बंगाल में। कांग्रेस को कितने सीट मिला था? 0 सीट मिला बंगाल में। ये बामफ्रंट, ये सीपीएम के साथ, बामफ्रंटियों के साथ, लेफ्ट फ्रंट के साथ ये जोर के चुनाव लड़ा था, तो इनको 0 सीट मिला। इनके बजाय इनको समर्थन का टिकट चाहिए था टीएमसी के। आज ना 2021 में इन्होंने टीएमसी का समर्थन किया, आज 2024 के जो इलेक्शन आ रहा है तो उसमें कम से कम सारे विपक्षी जो क्षेत्रीय दल है जिनके पास मतलब मजबूत है जो जहां पे, उनको साथ में लेके कांग्रेस को चलना चाहिए, ताकि सारे विपक्षी एकजुट होके लड़ सके देश में। जो बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं सारे एक मंच पे आए, ना कि वोट विभाजित करे। तो वही हम लोगों का बोलना है कि अधीर रंजन चौधरी कोई नहीं होते ठीक करने वाले, हाईकमांड ठीक करेंगे। दिल्ली से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनको पॉलिसी लेना चाहिए। लेकिन आप लोग चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में बिल्कुल छोटू भाई बनकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े, और टीएमसी का बाहर कोई अस्तित्व तो उस तरह से दिखाई नहीं देता है, वहां आप चाहेंगे कि आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें। इसके लिए क्या अलका लांबा जी तैयार होंगे, और ये कौन सी लड़ाई? एक तरफ आप लोग इनविटेशन जाके देते हैं ममता बनर्जी को मंच पर आइए, और अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि झूठ मूठ की लड़ाई लड़ रही है वो बीजेपी के खिलाफ। चित भी मेरी पट भी मेरी। देखिए देखिए देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उनके एक एक शब्द का हाईकमान जब भी जो फैसला लेगी उसे गंभीरता से लेगी, नंबर एक। नंबर दो, कर्नाटका की जीत से पहले टीएमसी के नेता का रवैया और भाषा क्या थी, और कर्नाटका की जीत के बाद क्या उनका सोच बदली है, हम उसका स्वागत करते हैं। टीएमसी ही है जो भाजपा की सरकार में केंद्र में रेलवे मंत्री रही, कभी भी कांग्रेस ने भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाया, न सत्ता के साथ गई, लेकिन समय आने पर टीएमसी भाजपा के साथ सत्ता में गई है। जब उन्हें लग गया कि बहुत भारी नुकसान पीडीपी की तरह इनका भी हो गया है, समझ आ गई, तो अच्छी बात है कि आज वो भाजपा से लड़ती हुई बंगाल की धरती पर दिख रही है, जिसकी हमें खुशी है। लेकिन अगर यही दीदी गोवा जाती और त्रिपुरा जाती है तो जमानत जब्त होती और भाजपा की सरकार बनती है। दीदी को समझना खुल गई ना अलका लांबा जी? नहीं नहीं, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ? नहीं नहीं नहीं, दरवाजे खुले हैं, चर्चा के दरवाजे खुले हैं, चर्चा बिल्कुल होगी, हर बिंदु को ध्यान में रखते हुए चर्चा। जल्दी से जो विश्वास है बाकी लोगों के पास भी जाना है। जिन्होंने कभी भी भाजपा का साथ दिया है आज वो ईडी सीबीआई के दबाव में है, हमें मालूम है। वो बीच में दबाव में आकर डर से ये गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं, हम इसे भी ध्यान में रखें। जो विश्वास जी जल्दी से कहते हैं, ठीक है, आज भी ममता जी के भतीजे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो भाजपा अपना ईडी सीबीआई वाला जो दबाव का कार्य खेलेगी, इस दबाव में कोई हमारे साथ आकर बीच में धोखा ना करे, हम इन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे। और हमारे दरवाजे खुले हैं, हमने इसीलिए कर्नाटक की सरकार के शपथ में, अरे जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पर जो विश्वास जी, कौन से राज्य में टीएमसी का अस्तित्व है? जहां पर कांग्रेस की सरकार है कौन से राज्य है जहां पर टीएमसी का अस्तित्व है? हम बोल रहे हैं जहां पे कांग्रेस का गवर्नमेंट है टीएमसी वहां पर चुनाव लड़ने नहीं गए, जहां पे बीजेपी का गवर्नमेंट है वहां पर टीएमसी चुनाव लड़ने गए हैं। हमारे लक्ष्य कांग्रेस नहीं है, हमारे लक्ष्य है अभी पूर्वोत्तर के राज्य में पूरी के पूरी कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर टीएमसी अपने में मिला लेती है।
ज्यादा समय की बात नहीं रही है ये जो विश्वास जी, फिर आप कहेंगे कि कांग्रेस के साथ हमारा तालमेल ठीक है। चलिए अब बाकी मेहमानों को भी शामिल कराते हैं जल्दी जल्दी। आनंद दुबे जी, एक चीज मैं बताना चाहूंगी, आज टीएमसी आज देखिए त्रिपुरा में लड़ने गई है जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, गोवा पे लड़ने गई है, छत्तीसगढ़ में हिमाचल पे हम लोग नहीं गए लड़ने के लिए। आज हमारे ममता बनर्जी दीदी ने जो पूर्वोत्तर के बड़े बड़े नेताओं को कांग्रेस से तोड़कर टीएमसी अपना नेता बना रही है, मैदान में उतार रही है, फिर आप कहेंगे कि हम तो चलिए आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, उनके खिलाफ जहां पर मैदान मजबूत है, लेकिन जहां पर कांग्रेस कमजोर हो रही है उनके नेताओं को टीएमसी शामिल करवा रही है खुद में। हमने किसी को नहीं तोड़ा है चित्रा जी, टीएमसी को लोगों को तोड़कर कभी भी भाजपा को टक्कर देने की नहीं सोची। टीएमसी के नेता जताने वाले कांग्रेस पार्टी के ही बड़े बड़े नेता थे, ठीक है, जहां पर हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, लड़ने की ठीक है।